महानगर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 6 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। मानव श्रृंखला रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। शहर के पीली कोठी चौराहे से लेकर सदर तहसील कार्यालय तक स्कूली बच्चों, सरकारी कर्मचारियों, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक और कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों के द्वारा लगभग 6 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला के दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा बैनर पोस्टर हाथ में लेकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव के साथ जनपद के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील सदर में मानव श्रृंखला का समापन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सभी छात्र छात्राओं के साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करने की शपथ दिलाई। और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हमारे जनपद में जो 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें कम से कम 75% मतदान होना चाहिए। 2019 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव में 65% मतदान हुआ था और हम लोग 10% मतदान बढ़ाकर कराने का प्रयास करेंगे। आज इस मतदाता जागरूकता के तहत कार्यक्रम में आज हमने पूरे जनपद में सभी नगर निगम क्षेत्र में सभी कस्बों में गाँव में मानव श्रृंखला का आयोजन किया है जो कि 530 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पर मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में 8000 बच्चों ने अपनी भागीदारी की है और 6 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाई गई है। आज हम मुरादाबाद के सभी स्कूल ने साथ देकर मानव श्रृंखला बनाई है जिससे हम सभी लोगों को जागरूक कर पाए कि उन्हें वोट देना चाहिए और वोट के क्या महत्व है। सहभागी बन हर चुनाव में फर्ज निभाई। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। अरे जागर जागा जागा देश के भैया। अरे जागर जागा, अरे किसान और फौजी रे जागा जागा, ननदी और भौजी। अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। देश के मतदाता। अरे जागर जागा देश के मतदाता।
देश के मतदाता, अरे जागोर जागो देश के मतदाता, अरे जागोर जागो गौवा शहर के लोगवा, अरे जागोर जागो पास पड़ोस के लोगवा, अरे जागोर जागो देश के मोर भैया, अरे जागोर जागो देश के मतदाता, अरे जागोर जागो देश के मतदाता रे जागो। आज हम लोगों ने जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया है उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि बढ़ चढ़ कर हम मतदान में भागीदारी करें और जो वोटर हैं, जो छात्र वोटर हैं, उनको भागीदारी करना तथा उनको अपने आसपास के लोगों को भी उनको भी मोटिवेट करना है, अपने परिवार के लोगों को मोटिवेट करना है और अपने आपके आसपास संपर्क जितने भी लोग हों जिसे मतदान होगा उसे उनको उनको उसका मतदान आप करवाएंगे। आज ये प्रण लेकर हम लोग सब लोग जाएंगे। एक आज पूरे जनपद में करीब 530 किलोमीटर की हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया। प्रत्येक छात्र प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी लोग सड़क पर खड़े होकर उन्होंने अपने अपने ग्राम में, अपने कस्बे में और नगर निगम क्षेत्र में मानव श्रृंखला बनाई है और इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव में इस जनपद में 65% मतदान हुआ था और हम लोग 10% मतदान बढ़ाकर, कम से कम 10% मतदान बढ़ाकर 75% मतदान करवाएंगे। इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें भागीदारी की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आने वाले निर्वाचन में जो हम लोगों ने यहाँ पर शपथ ली है उस शपथ के अनुसार जब संकल्प होकर जितना हम लोगों ने निश्चय किया है उतना मतदान कराएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपरा को मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा निष्पक्ष एवं निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए आप सभी को जानकारी है कि जो आज मतदाता दिवस की जो जागरूकताओं को बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मानव श्रृंखला सभी प्रदेश के सभी जनपदों में आज बनाई गई थी और यहाँ पे भी जनपद में जो बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी थी। आज पीली कोठी से लेके और सदर तहसील तक यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई गई है जो मुख्यालय में, और इसके लिए जो हमारी जो थाने की जो टीम है और बाकी पुलिस लाइन का जो स्टाफ है सभी अधिकारियों के यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया था और एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न किया।